वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रायन। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कैमरा कार्स की फाइट कराने के लिए, तो भाई आपको पता ही होगा मेरे पास 3 से 4 कैमरा कार्स है, तो मैंने यहाँ पे 2 कैमरा कार्स ले लिया। ये 4x4 चल सकती है। आज कराएंगे इन दोनों के बीच में फाइट, देखते हैं भाई ये कैमरा कार जीतेगी या फिर ये कैमरा कार जीतेगी। पहले करते हैं अनबॉक्सिंग। ये दोनों ही आरसी कार्स को अपन लोग पूरी तरीके से ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऐप अपने को ऐप स्टोर में भी मिल जाएगा और गूगल के प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा। पूरी तरीके से ऑफ रोड में चल सकती है दोनों ही कार्स। तो फिलहाल इसको मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ, देखते हैं भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अपने को देखने को मिल जाती है। ये देखो दोस्तों, मैंने इसको ओपन कर दिया है। यहाँ से कार को निकाल लेते हैं। कार का साइज़ एकदम मीडियम साइज़ है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा छोटी नहीं है। कार काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है और काफ़ी दमदार लग रही है। यहाँ पर है इसका रिमोट कंट्रोलर। रिमोट कंट्रोलर देखो भाई काफ़ी ज़्यादा मस्त है। यहाँ पर फ़ोन होल्डर भी दिया हुआ है फ़ोन को लगाने के लिए। रिमोट के बारे में बात करते हैं अपन थोड़ी देर में। इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये है इसका चार्जर और ये है इसकी बैटरी। दोस्तों अभी अपन लोग अनबॉक्स करते हैं अपनी कैमरा वाली रॉक क्रॉलर। पूरी तरीके से 4x4 चल सकती है। ये जो कार है 2 कलर्स में मिलती है, रेड और ब्लू। आप चाहे तो इसके ट्रैक्स वगैरह भी चेंज कर सकते हो। ये इसका एक अलग मॉडल भी आ जाता है। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है सारी चीजें यहाँ पर अपने को देखने को मिल जाती है। इसके ऊपर कैमरा जो है ना भाई अलग से इंस्टॉल होके आता है। अपनी जो ऑरेंज कार है उसके अंदर ही फिट होके आता है कैमरा। तो इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। तो भाई इससे ऊपर अपने को मिलती है इसकी बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी है। तो ये हटा दिया मैंने। यहाँ पर है इसका कैमरा। ये जो कैमरा है ऊपर की ओर यहाँ पर फिट हो जाता है। पूरी तरीके से किस तरह से इंस्टॉल करना है मैं आपको बता दूंगा। कार की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ऑसम है। पूरी तरीके से फुल्ली प्रोपोर्शनल आरसी कार है। ये है इसका 2.4 गीगाहर्ट्ज का रिमोट। रिमोट की भी क्वालिटी काफी ज्यादा मस्त लग रही है। दोस्तों दोनों ही आरसी कार्स को मैंने साइड बाय साइड रख दिया। फटाफट से दोनों का कंपैरिजन करके देख लेते हैं। यार यहाँ पर क्या कंपैरिजन करूं मैं, आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो ये जो कार है ना भाई इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा छोटी है। तो फटाफट से दोनों का कैमरा मैं आपको बता देता हूँ। इसका कैमरा जो है ना भाई यहाँ पर दिया हुआ है 2 मेगापिक्सल का कैमरा है। इसका कैमरा देखो अलग से सेपरेट लगाना पड़ता है अपन लोगों को, इसके साथ ही मिल जाता है। यहाँ पर इसका कैमरा मैंने फिट किया है। ये जो कैमरा है ये भी 2 मेगापिक्सल का फुल HD रिकॉर्ड कर सकता है, ऐसा इन लोगों ने बॉक्स के ऊपर लिख रखा है। तो बाकी दोनों के व्हील्स सेम टू सेम साइज के अपने को देखने को मिल जाते हैं। ये जो कार है 4x4 है, ये भी शायद 4x4 होगी, चलाने के बाद ही पता चलेगा। काफी मस्त तरीके से सस्पेंशन है ताकि हम लोग इसको ऑफ रोड में भी चला सके। इसके व्हील्स की बात करूं तो व्हील्स काफी अच्छी क्वालिटी के है। ये फुली प्रोपोर्शनल आरसी कार है। देखो बीच में मोटर है, इधर एक शाफ्ट है, इधर एक शाफ्ट है, यानी कि पूरी तरीके से 4x4 चल सकती है ये कार। एक ट्रक भी है पीछे में, गुड्स कैरी करने का एरिया मिल जाता है। यहाँ पे है इसका बैटरी कंपार्ट। दोनों के रिमोट में से मेरे को ये वाला रिमोट काफी ज्यादा सही लगता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बटन्स देखने को मिल जाते हैं। रिमोट की क्वालिटी भी काफी ज्यादा मस्त है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का रिमोट है। तो अभी चलते हैं अपन लोग बाहर, फटाफट से कराते हैं दोनों के बीच में फाइट, देखते हैं भाई किसका कैमरा अच्छा है और अपने फाइट कराने में कौन सी कार जीतेगी। लेट्स गो। दोस्तों मैं आ चुका हूं बाहर फटाफट से। अभी छोटी वाली कैमरा कार को यहाँ पर मैं टेस्ट कर रहा हूँ। यार इसका ऐप का इंटरफेस तो देखो भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं एक वीडियो गेम खेल रहा हूँ। इसके अंदर अपने को एक स्टीयरिंग देखने को मिल जाती है। ये स्टीयरिंग को यूज करके अपन इस कार को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर कोई वीडियो गेम वगैरह खेल रहा हूँ। अभी अपनी रेड कलर की बड़ी वाली कार को भी टेस्ट करके देख लेते हैं। इसका भी ऐप का इंटरफेस काफी अच्छा है, पर इसके अंदर कोई भी अपने को स्टीयरिंग वगैरह देखने को नहीं मिल जाती है। ऐप काफी ज्यादा मस्त तरीके से काम कर रहा है बिना कोई लैग के, और भाई काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल भी हो रही है कार। अभी टाइम आ चुका है कैमरा टेस्ट करने का। छोटी वाली कार का कैमरा टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अपन देखो भाई इस तरह का कैमरा इसके अंदर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मैं आपको मोबाइल में भी दिखा रहा हूँ और राइट साइड में मैंने इसकी फुटेज भी लगा दी है। जैसे कि आप देख सकते हो ये फुल HD में तो मेरे को फुटेज लग नहीं रही है। 480p में ये जो कैमरा है भाई पूरी तरीके से वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर सकता है और फोटोज वगैरह भी ले सकता है। इसका जो वीडियो फुटेज है मोबाइल में बहुत ज्यादा क्लियर नजर आता है। जैसे ही मैं इसका फुटेज बड़ा करता हूँ ना, तो भाई देखो ये इस तरह से वीडियो जो है फटने लगता है और इस तरह से शेकी सा फुटेज अपने को देखने को मिल जाता है। इस कार के अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। अभी अपन टेस्ट करते हैं अपनी बड़ी वाली आरसी कार का कैमरा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो यार, इसका जो फुटेज है ना थोड़ा सा डार्क मेरे को लग रहा है। अभी देखो यार सामने मैं इसके बैठा हूं, देखते हैं किस तरह की फुटेज आती है। ओह माय गॉड, यहां पर तो मेरी शक्ल ही नजर नहीं आ रही यार प्रॉपर तरीके से। यार छोटी कार का कैमरा बहुत ज्यादा बेटर है। अभी देखो दोनों का फुटेज मैंने साइड बाय साइड लगा दिया है। आप भी मुझे नीचे कमेंट करके बताओ गाइस, आपको छोटी कार का कैमरा पसंद है या फिर बड़ी कार का कैमरा पसंद है। तो इन दोनों ही कार्स के
अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स है, वो सारे के सारे मैं बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। दोनों की फुल वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसको रिमोट से भी चला के मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके साथ जो रिमोट मिला था भाई, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का है। काफी अच्छी तरीके से रिमोट से भी हम इस कार को कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह का कंट्रोल अपने को ऐप में देखने को मिलता है, उसी तरह का कंट्रोल हम इस रिमोट से भी कर सकते हैं इस कार को चलाने में। अभी अपनी छोटी वाली कार को भी चला के देख लेते हैं। इसको चलाने में और भी ज्यादा डबल ट्रिपल मजा आ जाता है, क्योंकि देखो इसका रिमोट के ऊपर हम लोग डायरेक्ट फोन लगाकर चला सकते हैं। तो भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आता है, ऐसा लगता है कि भाई हम लोग कोई वीडियो गेम वगैरह खेल रहे हैं। अभी देखते हैं भाई अपनी छोटी जो कार है किस तरह के फोटोज वगैरह खींच सकती है। इसके सामने मैंने बड़ी कार रख दी है, देखो यार इस तरह की काफी कमाल की फोटोज वगैरह खींच सकती है अपनी छोटी वाली कार। अभी बड़ी वाली कार का कैमरा भी टेस्ट कर लेते हैं। इसके सामने मैंने रख दी है छोटी वाली कार, देखो यार इस तरह के फोटो से ले लेती है। फोटोज की क्वालिटी मेरे को उतनी खास लगी नहीं। इसकी कैमरा के मामले में क्लियरली विनर है अपनी छोटी वाली कार। दोस्तों अभी कराएंगे दोनों के बीच में रेस, देखते हैं भाई रेस कराने पर कौन सी कार यहाँ पे जीतेगी, छोटी कार या फिर बड़ी कार। अभी तक तो अपनी बड़ी वाली कार बहुत ज्यादा आगे चल रही है, देखते हैं भाई छोटी कार इसको हरा पाती है कि नहीं। बस थोड़ा सा ही डिफरेंस रह गया दोनों के बीच में और ये पूरी कोशिश कर रही है इसको हराने के लिए, पर अपनी बड़ी वाली आरसी ट्रक बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। देखते हैं भाई अभी थोड़ी सी रेस बाकी है, देखते हैं कौन जीतेगा। यहाँ पे क्लियरली विनर है अपनी बड़ी वाली आरसी कार। दोस्तों अभी कराते हैं दोनों के बीच में पुश बैक, देखते हैं भाई यहाँ पर कौन जीतेगा, कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल आरसी कार। दोनों के बीच में टक्कर हो चुकी है भाई, बड़ी कार ने इसको जोरदार टक्कर मारी है। तो देखते हैं भाई यहाँ पे कौन हारेगा कौन जीतेगा। ओ माय गॉड, अपनी छोटी कार ने बड़ी चालाकी से देखो और बड़ी कार को उल्टा फेंक दिया। यहाँ पे क्लियरली विनर है पावर के मामले में अपनी छोटी वाली आरसी कार। दोस्तों अभी अपन लोग आ चुके हैं ऑफ रोड में भाई, यहाँ पे कराने वाले हैं टग ऑफ वॉर। देखते हैं भाई ये टग ऑफ वॉर में कौन सी कार जीतेगी। तो भाई स्टार्टिंग से ही देखो अपनी बड़ी वाली ट्रक ने भाई इसको घसीटना चालू कर दिया है, जरा बराबर भी इसको थोड़ा सा भी चांस नहीं दे रही है ग्रिप जमाने के लिए। यहाँ पर छोटी कार के अंदर एक दिक्कत है मेरे को, देखो भाई इसके पीछे वाले व्हील्स घूमे जा रहे हैं पर इसको कोई भी जरा से भी ग्रिप यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो पावर के मामले में मेरे को लग रहा है कि अपनी बड़ी वाली आरसी कार छोटी वाली आरसी कार के मुकाबले में बहुत ज्यादा पावरफुल मोटर इसके अंदर लगाई गई। तो भाई टग ऑफ वॉर में क्लियरली विनर है अपनी बड़ी वाली आरसी कार। दोनों के बीच में ऑफ रोड टेस्ट भी करके देख लेते हैं भाई, यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, देखते हैं इन पत्थरों पर से अपनी छोटी कार निकल पाएगी या फिर नहीं। देखो भाई काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है इसको निकलने में और भाई यहाँ पर ये आकर फंस चुकी है। इसके पीछे के व्हील्स पूरी जोर लगा रहे हैं यहाँ से निकलने के लिए, पर मेरे को नहीं लगता यहाँ से ये निकल पाएगी। भाई निकल गई, देखते हैं और आगे कहाँ तक जाएगी। बस से ये यहाँ पर आकर फंस चुकी है भाई, ये ऑफ रोड में चलाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है। दोस्तों अभी चलाने वाले हैं अपनी ट्रक को इन पत्थरों के अंदर से, देखते हैं भाई यहाँ से ये चल पाएगी कि नहीं। ये पूरी तरीके से 4x4 आरसी कार है, तो पूरा जोर लगाकर देखो यार ये यहाँ से निकलने के लिए कोशिश तो कर रही है, यहाँ पे फंस चुकी है। देखते हैं भाई यहाँ से निकलेगी या नहीं। ओ माय गॉड, जैसे ही मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पावर बढ़ाया है ये एकदम झटके से निकल चुकी है। भाई ये जो कार है ना पूरी तरीके से हम लोग ऑफ रोड में भी चला सकते हैं और घास मिट्टी में कहीं पर भी चला सकते हैं। ऑफ रोड चलने के मामले में अपनी जो आरसी ट्रक अभी क्लियरली जीत चुकी है। अभी दोनों के बीच में ऑफ रोड में रेस लगा दिया है मैंने, देखते हैं भाई इस रेस के अंदर कौन सी कार जीतेगी। ऑन रोड पे रेस लगाने पर अपनी बड़ी वाली आरसी कार जीत चुकी थी क्लियर तरीके से, यहाँ पर भी मेरे को लग रहा है कि अपनी बड़ी वाली आरसी कार बड़ी आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि भाई इसके अंदर बहुत ही बड़ी और बहुत ही पावरफुल मोटर लगाई गई है। इस वजह से रेसिंग के मामले में इसको कोई भी हरा नहीं सकता है। अभी दोनों का लाइट टेस्ट भी करके देख लेते हैं। यार लाइट्स के मामले में अपनी छोटी कार के अंदर कोई भी लाइट देखने को नहीं मिलती है, बड़ी कार के अंदर दो बड़े बड़े हेडलाइट दिए हुए हैं। तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको छोटी वाली कैमरा कार पसंद है या फिर बड़ी वाली कैमरा कार पसंद है, नीचे कमेंट करो फटाफट से अभी कभी। तो चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। दोस्तों आज मैं दूंगा 10 लोगों को शाउट आउट। सबसे पहला नाम आ जाता है परिहिता दास, जुगमान सिंह, अरविंदर सिंह, मायुक, कनिष्क, बिराद शर्मा, फैजान, धीरज, रुशील, कल्पेश। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शाउट आउट दे सकूं। बाय दोस्तों।